साड़ा ने मेरे भीतर मारी, देख देख रहा है ना, हाथ पे और पैर पे। भाई एक घंटा रेस्ट कर लिया है, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? और भाई तैयार हो लिए हैं, सुबह सुबह धूप पड़ रही है अच्छी, और चल रहे हैं अपनी स्वीटो, दिखाते हैं आपको कहाँ खड़ी थी अपनी स्वीटो, कर दी थी यहाँ पे खड़ी आराम से। यहाँ भाई करते हैं, और यहाँ पे सेफ है यार, ऐसी बात नहीं, क्योंकि 24 घंटे भाई ओपन रहता है। चलते हैं, और भाइयों ने भाई बहुत हेल्प करते हैं, तो थैंक यू सो मच भाई। फिर मिलेगा भैया। आपका नाम क्या भाई? यादव है, यादव। यादव, थैंक यू भाई, थैंक यू भैया। भाई जो ये है इसको बोलते हैं इंडियन मार्केट है, और यहाँ पे गुरुद्वारा भी अंदर की साइड है थोड़ा, हर रोड से। और भाई कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे आया था मैं, कुछ भी ले लो आप, मैगी या इंडियन का कोई भी प्रोडक्ट, मसाले सब मिलेंगे यहाँ पे, और सर्च कर सकते हो गुरुद्वारे के नाम से। भाई गलत आ गए, नीचे का दिखा रहा था लेकिन दो हो गए नीचे के, अब वापस जाना पड़ेगा। और पुलिस वाला स्कूटी लेके घूम रहा है, कोई नहीं यार, हम तो साइकिल वाले हैं। यहाँ से हमने नीचे ले लिया, जबकि जाना था हमने ऊपर, क्योंकि आगे रिवर है, ब्रिज है, रिवर क्रॉस करनी हमने। कोई चौक आ गया भाई, आगे घोड़ी पे है, तलवार ले गया है भाई, और माड़ा ही बहुत बड़ी भरा रखी है, और बड़ा ही चौक है, और देखो किस तरह रेड क्रॉस के लिए आदि, कोई कानूनों को इतना नहीं है। मकाम भी आगे चलने फिर भाई, ग्रीन बिकती हो रही है, भगा भगा भाग भाग स्वीटो भाग, देखा कि तेरे पब्लिक खड़ी है, सारा अपोजिट से आ रहा था, गाड़ी निकल रही है मुँह से, बात कर रहा मैं उस साइड हो लिया, एकदम से पीछे से गाड़ी आई, सारा ने मेरे भीतर मारी, देख देख रहा होगा ना हाथ पे और पैर पे, देखो है ना, साइकिल का हैंडल भी पहंगा हो गया, और कैमरे वाला भी टूट गया भाई, साइकिल का हैंडल पहंगा हो गया, साइड से फट भी गया वो जो लगा रखी थी, और भाई बुरा हाल है। देख लिया अपोजिट चल रहा था, उसको साइड कर दिया कि भाई उस साइड से जा, साला रामी एकदम तंत्र मार कर भाज गया, रुकया को ना कि रुक भी जाऊं, रात पे कुछ ज़्यादा ही लगी, स्किन बहुत ज़्यादा उतर गई भाई, देख पूरा नीला होगा, क्या कह सकते हैं भाई। मेडिकल किट ले रखी है भाई साथ में, और खूना उन्हें गोड्डे पे खून आ रहा है, तो बैंडेड लगाऊंगा भाई, क्योंकि ज़्यादा खून ना आए या कुछ गलती फैक्ट ना हो, क्योंकि स्किन पे लगाएगी बार बार, और हाथ पर पट्टी बांधूंगा भाई, पट्टी भी है, देखो ये पट्टी रही, ये पट्टी बांध लूँगा भाई, साइकिल नहीं चलाई जा रही, रेस्ट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, गोड्डे पे ज़्यादा ही लगी, बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि पैडल लगते नहीं। अब देख लो अपनी साइड था, सब कुछ था, मेरी 1% क्या पॉइंट, 1 पॉइंट भी गलती नहीं है, अब क्या कह सकते हैं भाई, कुछ नहीं भाई, वही बात है भाई, रोड पर चले हैं तो एक्सीडेंट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन खुद बच के चलोगे तो बचाओ है, बच के भी यार मैंने तो बताया अभी, क्योंकि कट से आया था एकदम से, क्या कह सकते हैं भाई, मोटरसाइकिल के साथ लगा लेते हैं ना वो, भाई बोला भी नहीं जा रहा, ये हो रहा है कि ठीक है थोड़ा रेस्ट करने की जगह देखता हूँ, है ना, ये आगे साढ़े कुछ का रामी भाई, अब तो रेस्ट करने की जगह देखता हूँ, साथ में कुछ खाऊंगा और थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर चलूँगा भाई। भाई बहुत समुंदरी जहाज खड़े हैं यार नदी में, देखो और हम कोस्टल एरिए पे आ गए हैं, वैसे बिल्कुल समुद्र पास में है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, देखो ये नदी है, इसके अंदर खड़ी है, ये नाम क्या है,
मिश्का था चीन भैया का खाना बर्फ और राइस और क्या है कि ये चीज़ ले सकते हैं हम साथ में, ये खाएंगे। जो ये सामने खड़ा है ना भाई, इस टाइप की बना रखी थी उसने, ऐसी धटोका मेरे को, ऐसी बना लेते हैं ये कि बाइक पे घूमते रहो, अपना सामान बेचते रहो। अब क्या कह सकते हैं यार, रेस्ट किया था पौन घंटे के आसपास, खाना खा गए, लेकिन भाई अब ज़्यादा नहीं चला जाएगा, मतलब हमारा भगवान ने ब्रेक लगा दिया है। यही सोच लो कि गोटे पे लगने के बाद भाई साइकिल क्या चलेगी अच्छे से हैं, और साइड में भाई कुल्ला भाई लग रही है कुल्ला उसकी से बाइक का हैंडल लगा भाई गोटे पे, उसकी बाइक क्यों कौन ही लगी है बड़ी आड़ी। ठीक है यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब थोड़ा तेज़ चल रहा था मैं, तो भगवान ने मना कर दिया कि इतना तेज़ मत चल, आराम से चल। तो भाई अब आराम से चलेंगे, है ना, आज का रेस्ट होगा भाई यहाँ पे थोड़ी देर, है ना। स्वेटर लगा दी यहाँ पे भाई, इला भी नहीं जा रहा गोड्डे पे, ज़्यादा ही आ रही यार, सूजन हो रहा, पूरा मोटा हो गया गोड्डा। ठीक है यार, जैसा भी अब क्या कह सकते हैं, है ना। अब देखो मैं इस साइड से चल रहा था, पता क्या हुआ, जैसे वो खड़ा है ना, वो आया एकदम से ऐसे आगे, एकदम से मेरे मरियस ऐसे मेरे राइट साइड में, राइट साइड राइट हैंड का पैर और लेग, हाथ और पैर भाई राइट साइड के, और कुल्ला राइट साइड का टूट गया भाई, क्या कह सकते हैं भाई। कुछ नहीं यार, जैसा भी है अब, है ना, अब थोड़ा रेस्ट कर लें फिर चलेंगे यहाँ से, पानी वानी पी के। भाई एक घंटा रेस्ट कर लिया है, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन सोच रहा हूँ 20 किलोमीटर चल के फिर रेस्ट कर लें ना, तो खून जम जा होगा और वो गड़बड़ कर देगा फिर, है ना, इसलिए ज़्यादा भी नहीं चलूँ कम भी नहीं चलूँ, तो 20 किलोमीटर चल कर फिर रेस्ट करते हैं भाई, अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और कुछ हम देखो भाई ऐसे लेटे हुए थे इस जगह पे, अपनी स्वीटो पास में खड़ी थी, और भाई ऐसे लेटे हुए थे देखो, हो जाता बुरा हाल भाई, और कुछ भी को आप मतलब कुछ तो दर्द है, कुछ ही है। क्या था भाई, एलिवेशन ज़्यादा था ब्रिज का, तो मैंने सोचा नीचे से ही ले लूँ, अब नीचे से देखा तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा ऊपर से, फिर कोई कटाएगा फिर आगे जाके, तो अब हाईवे से छोड़ के मतलब 4-8 किलोमीटर का कटे, चोट की वजह से मतलब 8 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गए, और गोड्डे में ऐसा फील हो रहा मेरे भाई जैसे इतने मतलब इतने बड़े में गए नील आएगा, और काफ़ी टायर्ड हो रखा वहाँ से, इसका मतलब है अच्छी लगी है गोड्डे में तो, हाथ की ठीक है फिर भी, लेकिन गोड्डे में ज़्यादा लग रही है, और वेरी इंपॉर्टेंट भाई चलने में गोड्डा ही आता है ना। ये दो बाइक वाले हैं लेकिन वो आगे हुए है ना, तो इनका नंबर के साथ साथ ही है ना, ये फेस इनके ये हैं, देख लो भाई, पहले तो उसने एक्सीडेंट किया, अब ये लड़के थे कुछ 4-5 बाइकों पे, 3-4 बार बाइक घुमाई मैंने आखिर में, है ना, कैमरा करके रही है, फिर मैं आई कॉल यू प्लीज निकलना लग गया ना, जब भाजे हुए परेशान हर कोई करता भाई, हर किसी को जहाँ पे उसको मजा आता है ना किसी को परेशान करने में, हर कोई करता है। दुनिया कहती है कि भारत सेफ नहीं है, ये सेफ है, मतलब मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ प्रॉपर, साइड से आया उन्हें ठोका भाई, मैं गिर गया हूँ, उसने उठा तक नहीं मेरे को, और वो भाग गया। उसके बाद अब ये कर रहे थे, आप कैमरे में देख लिया होगा कितने आए हैं वो, क्योंकि वो आवाज़ करते हुए आ रहे थे, 2 बार तो मैंने किया नहीं रिकॉर्ड, इग्नोर करता रहा,
फिर भाई तीसरी बार तो मैंने भी गाड़ी निकाल दी थी, समझ सकते हो फिर, क्योंकि एक तो ऊपर से ये कि देख सुबह सुबह मेरी कोई गलती नहीं, और साढ़े ने उठाया तक नहीं उसने कि गिर गया है, कोई नहीं उठा तो दूँ तो जाता है भाई एक्सीडेंट हो भाग गया। अरे कि ये तो भाई सेफ्टी अपने हाथ में लेके चलनी होती है, ये नहीं है कोई दूसरा सेफ्टी करेगा, जिसको जहाँ मौका मिलता है हर कोई अपना मजे लेता है। दोस्तों अब फिर थोड़ा चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे, और गोड्डे में है ना ऐसे हो रहा है जैसे कम चोट लग गई हो, मतलब अजीब सा हो रहा है यार। कुछ ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करेंगे और कुछ ज़्यादा चलेंगे भी नहीं, वैसे जो टारगेट सोचा था वो कंप्लीट हो गया है। सोचा था 1780 किलोमीटर ही चलूँगा और अभी 1780 किलोमीटर हो चुके हैं, 2:44 हो गए, कितना हुआ देखता हूँ एक बार। 73 दिखा रहा भाई, 73 किलोमीटर चल चुके हैं। स्वीटों को यहाँ लगा के यहाँ लेटूँगा भाई कुछ देर, पानी पी के आराम से। 4:19 हो गए भाई, अब चलते हैं यहाँ से, 6 बजे तक चलाएंगे लगभग साइकिल। फिर ये है कि जो पेट्रोल पंप आएगा लगा देंगे फिर टेंट। ये चौक आया भाई बड़ा अजीब, मतलब इस जगह पे 3-4 जगह जाती है ये रोड, मतलब चारों दिशाओं में जाता है। हमने जाना था बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ही, तुमको भाई सीधा ही ले लिए। वैसे बाईपास बोल रहा है कि ये बाईपास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जाएगा सिटी के अंदर से ही। अब बाईपास क्यों बोल रहे हैं पता नहीं भाई, इनका किस टाइप का बाईपास होता है पता है भाई। और भाई गाड़ियों की स्पीड है ना 100+ की है सभी, यहाँ की 80, 100, 120 की स्पीड है भाई यहाँ पे, देख लो आप। रोड ठीक है अच्छा है, लेकिन जो कंबोडिया से आ रहे थे ना हमें वो रोड अच्छा नहीं था, बट ये रोड अच्छा है भाई। बताइए कौन सी सिटी है या कमेंट में भाई इसका नाम लिखिए, आपने पढ़ लिया होगा कमेंट में बिना पाउज करे नाम लिखना है भाई, और जिसकी पहली कमेंट आओगी उसकी कमेंट पिन करूँगा भाई मैं। अब देखते हैं, अब बिना पाउज है भाई, याद रखना कंडीशन एक है, बिना पाउज करे सिर्फ एक बार पढ़ दे लिखना है भाई। ये रिवर है मेकोंग रिवर, MAEKLONG मेकोंग रिवर। और भाई काफ़ी शिप खड़े हैं, छोटे भी बड़े भी, अरे का विरार सामने बिल्कुल समुंदर है भाई, हम बिल्कुल कोस्टल एरिया पे चल रहे हैं, कुछ ऐसा है। स्वीटो खड़ी आराम से आ रहा है ना एक, दिख रहा होगा आपको। और भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, गर्मी ह्यूमिडिटी पसीना पूछ के बात करिए ना तो मुँह है ना बिल्कुल काला काला हो रहा है भाई। ह्यूमिडिटी है भाई 80% है और टेम्परेचर है 38%, 80-38 का दे ले कम्युनिकेशन कितना है। देखो अब और पास में आ गया है वो भाई, आगे है ना टी पॉइंट बन जाता है यहाँ से, अगर हम लेफ्ट ले रहे हैं तो हम मलेशिया की साइड चले जाएंगे, और यहाँ से राइट ले रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे यानी कि म्यांमार की तरफ। वैसे म्यांमार बॉर्डर दोनों पास में ही हैं, काफ़ी दूर तक चलेगा म्यांमार का बॉर्डर भी, लेकिन म्यांमार में जो इंट्री है वो तो आपको पता ही है बैन है भाई, है ना। तो भाई इनका जो है वो है क्या कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमने लेना है अब लेफ्ट, लेफ्ट लेके जाएंगे हम मलेशिया, अपनी नेक्स्ट कंट्री होगी मलेशिया, मलेशिया के लिए करते हैं भाई तैयारी, क्योंकि वहाँ जाने से पहले हमने एक 3-4 दिन पहले फॉर्म फिल करना होगा, उसके बारे में देखते हैं कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। एक बता रहा था मुझे कि जिस तरह थाईलैंड में है कुछ किए वगैरह आ जाते हैं, मलेशिया में ऐसे नहीं होगा, एक फॉर्म होगा वो आपने फिल करना पड़ेगा, एक फॉर्म होगा वो आपने फिल करना पड़ेगा कम से कम 3 दिन पहले, और वहाँ से फिर वो फॉर्म आपने लेके जाना है। ठीक है भाई कर लेंगे हम तो फिल, अभी तो अपने पास 2 दिन पड़े हैं भाई,
26 को अपना वीज़ा एक्सपायर है ना, 26 से पहले पहले हम एंट्री करेंगे ही। कोशिश हमारी यही है कि 3-4 दिन पहले बॉर्डर पे पहुंच जाएं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो भाई प्रॉब्लम को सोल्व हो जाए, ये ना हो कि दोनों साइड से कुछ गड़बड़ हो जाए फिर, है ना। तो ये चीज़ है भाई, और देखते हैं जो होता है, ठीक है ना बात। तो देख रहा भाई अलग या सब इक्वल हाँ दिख रहा है, अरे कुछ तो अलग दिखा होगा। मैंने पहली बार इतनी बड़ी चम्मच देखी है भाई, स्पून अल्टीमेट है भाई। काफ़ी थाईलैंड में तो देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई भाई, फिर आगे मुझे कंटिन्यू प्रॉब्लम आई तीनों कंट्रियों में। लाओस में सबसे ज़्यादा आई, वियतनाम ठीक रहा था, कंबोडिया में भी, लेकिन कंबोडिया में हम ज़्यादा रुके भी नहीं, है ना। 10 दिन के अंदर अंदर हमने तो एग्जिट कर दिया था भाई, क्योंकि हमने अपना टाइम भी तो देखना भाई कि वर्ल्ड टूर हमने 10 से 12 साल में करना है। 1 साल ऑलरेडी जा चुका है हमारा, तो रिमेनिंग रह गए 10 से 11 साल, है ना। और 1 साल में हमारी 15 कंट्री हुई हैं, 16वीं हुई हमारी। साल कंप्लीट होने के बाद भाई सूर्यास्त होने को है, सूर्य देवता भी बिल्कुल रेड रेड हो गए हैं। और भाई अपना सरसभी अंधारी, ये तो बस स्टैंड था भाई, मैं देख रहा कोई पेट्रोल पंप या कुछ होगा, लेकिन ये तो बस स्टैंड निकला यार। ऐसा भी होता है भाई, कभी कभी होता है भाई। चल रहे थे और भाई मिले हैं, ब्रदर कैसे हो? I'm walking here. Yeah, walking here. Yeah. Okay. Where are you from? I'm from India. Chennai, you know Chennai. Yeah, हाँ ये. क्या नाम आपका? Your name? Gokul. Gokul. Okay, brother. Nice to meet you, brother. Okay, bye bye. भाई पक्षियों की आवाज़ सुन रहे हो? बहुत ज़्यादा पक्षी हैं यार, गजब भाई। चिड़िया टाइप की हैं सभी, छोटे छोटे पक्षी हैं, बड़े तो हैं नहीं। लाइट लगा लिए भाई, क्योंकि पेट्रोल पंप है भाई 5 किलोमीटर दूर, और लाइट अपोजिट बहुत आते हैं यार इस साइड, और सुबह अपोजिट वाले ने ही एक्सीडेंट किया था, इस वजह से अपना लाइट सेफ्टी। लो भाई आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, फोन ऑफ हो रहा है, पता नहीं टाइम कितना हो रहा है। और आज PTT पे नहीं आए हम, मैंने सोचा यार PTT पे नहीं जानते, आज और किसी पर रुकेंगे, आराम भी फिर पूछेंगे। देखो दिख रही है सीटों खड़ी कर दी यहाँ पे, ट्रक काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे, इसका मतलब आराम से रुक सकते हो, एरिया ही बहुत बड़ा है ना। और यहाँ पे लगाएंगे हम कैंप, यहाँ पे आराम से इजीली लग जाएगा कैंप। ज़्यादा नहीं है लाइट, तो इसलिए करते हैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।